तो दोस्तों आप लोग ये प्रीव्यू में वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोग भी अपने लिए इसी तरह ये HDR न्यू ट्रेडिंग वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन में बनाना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप कैपकट में बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने अपने लिए इसी तरह की ये न्यू वीडियो HDR बना देनी है। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे न्यू है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दे ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम पे मिल सके। तो चलते हैं कैपकट की तरफ और मैं आप लोग को मुकम्मल प्रोसेस बता देता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने अपने लिए वीडियो बना देनी है। तो आप लोगों ने सिंपली अपने कैपकट ऐप को ओपन कर देना है। यहाँ से इस न्यू प्रोजेक्ट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, वो वाली वीडियो सेलेक्ट कर देनी है जिसके आप लोगों ने ब्लैक स्क्रीन बनानी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से इस एंडिंग वाले वाटरमार्क पर क्लिक कर देना है, इसको डिलीट कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से इसकी वॉइस जो है ना आप लोगों ने म्यूट कर देनी है। इसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ नीचे आप लोग देख सकते हैं इफेक्ट्स का ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो अब इन्हें इफेक्ट्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इस वीडियो इफेक्ट पे दोबारा क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे यहाँ आप लोग के पास इफेक्ट्स ओपन हो जाएगी। याद रखें आप लोगों का इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए तभी आप लोग के पास इफेक्ट्स ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोग इफेक्ट्स को स्क्रॉल करके यहाँ से आगे करके यहाँ आप लोग को कॉमिक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कॉमिक। तो अब इन्हें इस कॉमिक पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ आप लोग के पास इफेक्ट्स ओपन हो जाएगी। तो अब इन्हें थोड़ा नीचे आ जाना है, नीचे आ जाके यहाँ आप लोग देख सकते हैं ब्लैक BNW स्केच, तो अब इन्हें इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है। और इसकी जो ड्यूरेशन है आप लोगों ने इस वीडियो के मुताबिक लास्ट तक कर देनी है इसकी ड्यूरेशन। इसके बाद आप लोगों ने बैक आ जाना है और फिर से दोबारा वीडियो इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने इस इफेक्ट्स को पीछे करके यहाँ आप लोग को थर्ड वन लेंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो अब इन्हें इस लेंस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ आप लोग के पास लेंस ओपन हो जाएगी। यहाँ से नीचे आ जाना है, नीचे आ जाके यहाँ आप लोग को ब्लर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो अब भाई ने ब्लर पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इस ब्लर की ड्यूरेशन जो है ना वीडियो की एंडिंग तक कर देनी है। इसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, बैक आ जाना है और इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। जैसे आप लोग एक्सपोर्ट कर देंगे ये 100 तक हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, बैक आ जाना है, फिर से आप लोगों ने इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है, इस BNW स्केच पर क्लिक कर देना है और इस यहाँ आप लोग देख सकते हैं रिप्लेस इफेक्ट, तो अब इन्हें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ खुद ब खुद ये कॉमिक पे आ जाएगा। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से इस नियॉन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ आप लोग की ये वीडियो नियॉन पे आ जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, इस वीडियो को भी एक्सपोर्ट कर देना है। जैसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ से ये वीडियो 100 तक हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये 100 तक हो गया। इसके बाद आप लोगों ने बैक आ जाना है और फर्स्ट आप लोगों ने इस नियॉन पर क्लिक कर देना है, यहाँ से इस वीडियो को डिलीट कर देना है। इसके बाद ब्लर पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, इसको भी डिलीट कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने बैक आ जाना है, बैक आ जाने के बाद यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ आप लोग को ओवरले का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो अब भाई ने ओवरले पर क्लिक कर देना है, यहाँ से एड ओवरले पे क्लिक कर देना है। तो आप लोगों ने BNW स्केच की फर्स्ट वीडियो को जो एक्सपोर्ट किए थे उस पर आप लोगों ने आ जाना है, यहाँ से ऐड कर देना है और अपने टू फिंगर के साथ इस तरह आप लोगों ने इसको एडजस्ट कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से नीचे आ जाके यहाँ आप लोग देख सकते हैं ब्लेंड का ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो अब भाई ने ब्लेंड पर क्लिक कर देना है। ब्लेंड पर क्लिक करने के बाद इसको आगे करके यहाँ आप लोग को कलर बन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो अब इन्हें कलर बन पर क्लिक कर देना है और इसकी जो ओपेसिटी है ना आप लोगों ने इसको 82 तक कर देना है। 82 पर करने के बाद आप लोगों ने फिर क्या कर देना है, ओके कर देना है, बैक आ जाना है, दोबारा से ऐड ओवरले पर क्लिक कर देना है, यहाँ से इस सेकंड वाली वीडियो को ऐड कर देना है। जैसे ऐड कर देंगे अपनी टू फिंगर के साथ इसको इसी तरह एडजस्ट कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, इसको नीचे को आगे करके यहाँ आप लोग को ब्लेंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोगों ने फिर से ब्लेंड पर क्लिक कर देना है। ब्लेंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आगे करके यहाँ आप लोग देख सकते हैं हार्ट का ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो अब इन्हें हार्ट पर क्लिक कर देना है और इसकी कैपेसिटी जो है ना आप लोगों ने 52 तक कर देनी है, फिर ओके कर देना है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं आप लोग की वीडियो आ चुकी है। आप लोगों ने क्या कर देना है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग इसकी ओपेसिटी कर सकते हो, मैं 40 तक कर देता हूँ। फिर आप लोग देख सकते हैं आप लोग की वीडियो जो है ना बन चुकी है। इसके बाद आप लोगों ने बैक आ जाना है, ऐड ओवर ले पे दोबारा क्लिक कर देना है, यहाँ से स्टॉक वीडियो पर क्लिक कर देना है। जिस इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ से आप लोगों ने ब्लैक वाली
वॉलपेपर आप लोगों ने सेलेक्ट कर देनी है और अपने टू फिंगर के साथ इसको इसी तरह एडजस्ट कर देना है। जैसे एडजस्ट कर देंगे इसकी ड्यूरेशन जो है ना आप लोगों ने वीडियो की एंडिंग तक कर देनी है। इसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से इसको आगे करके ब्लेंड का ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा है तो आप लोगों ने ब्लेंड पर दोबारा क्लिक कर देना है और ओवरले पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी वीडियो को इस तरह ब्लैक स्क्रीन में बना सकते हो। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं आप लोग की वीडियो बन चुकी है। ऐसी मज़ीद खूबसूरत वीडियोज़ बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।